यहाँ पे चॉप कर ली है मैंने बहुत सारी प्याज, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। दूसरे बाउल में मैंने ले लिया है बेसन और उसमें डाल दिया है कुछ मसाले, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और अब हम चलते हैं इसके घोल बनाने के प्रोसेस की तरफ। हम घोल इसको इसलिए बना रहे हैं कि इस घोल से हमें बनाने हैं पकौड़े, और आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़े। तो देखिए यहाँ पे मैंने घोल बना लिया है, और घोल में मैंने वो जो कटे हुए प्याज थे उसको भी ऐड कर दिया है, और एक पिंच इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी डाला है ताकि थोड़े से सॉफ्ट बने आपके पकौड़े और कड़ी में जल्दी से घुल जाएँ। यहाँ पे रख दी है कढ़ाई और स्टार्ट कर दिया है पकौड़ों को बनाना। यहाँ पे ली है मैंने रॉस्ट आयरन की एक कढ़ाई। आजकल लोहे की कढ़ाई में अगर आप कुकिंग करते हो तो अच्छा रहता है, एल्युमिनियम वगैरह उतना अच्छा नहीं रहता, तो मैंने फ्राई करने के लिए लोहे की कढ़ाई यूज़ करी है और कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ करी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। आपको मेरी कढ़ाई थोड़ी काली लग रही होगी, डोंट माइंड, और क्योंकि ये फ्राई करते करते ना काली हो गई है। और देखिए यहाँ पे पकौड़े बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं, एक बैच में मेरे 7-8 पकौड़े आ जाएंगे। और फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम टू हाई रखा है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकौड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे पकौड़े बनाने से फिर वो अंदर की तरफ कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे, इसलिए लो टू हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पकौड़े बना रहे हैं। और देखिए ये अच्छे से पकने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हमारा पहला बैच बन रहा है, और देखिए ये हमारा पहला बैच बन के तैयार भी हो गया। इस तरह से हमको सारे पकौड़े बना लेने हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। उसी बाउल में मैंने 3-4 चम्मच बेसन और ले लिया है, उसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, और एक कटोरा लिया है उसमें डाला है 1/2 टेबलस्पून हल्दी और थोड़ी सी हींग। इसका मुझे अलग से घोल बना के रखना है। और जो तीसरा बाउल आपको दिख रहा होगा उसमें डाल रखा है हमने तड़का। तड़के में है लाल मिर्च, मेथी, धनिया और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और 2-4 करी के पत्ते। अब जो बड़ा बाउल था उसमें हमने डाल दिया है बेसन, दही और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और इन सारों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्लफ़ी कर लेना है अच्छे से फेट फेट के। और फिर देखिए यहाँ पे हम इसको अच्छे से मैंने फेट लिया है, और ये कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके मैंने वो बाउल में डाल दिया है। और दूसरा बाउल जो मैंने लिया था, देखिए उसमें हल्दी पाउडर, और यहाँ पे रखे हुए हैं पकौड़े। कढ़ाई में डाल दिया है वो तड़का जो मैंने बाउल में रखा था, जीरा, धनिया, मेथी, लाल मिर्च और करी पत्ते का। ये जैसे ही तड़क गया है और इसमें मैंने वो हींग और हल्दी वाला पानी डाल दिया है। तड़के में ही हमको हींग और हल्दी वाला पानी डालना है, और इसको थोड़ा सा बॉयल होने तक पकाना है, मतलब जब तक थोड़ा सा इसमें बॉयल ना आ जाए। तो देखिए उस तड़के में ही मैंने हींग और हल्दी का पानी, इससे क्या होता है कि हींग और हल्दी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से तड़के में भिन जाता है, और कढ़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे उस तड़के में बॉयल आ चुका है, जो मैंने हींग और हल्दी का पानी डाला था उसमें एक अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। जो हमने बाउल में घोल बना के रखा है बेसन, हल्दी, अमचूर पाउडर का, अब उसको हम धीरे धीरे करके उसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा चला के स्टेयर भी करते रहेंगे। वो सारा का सारा घोल मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें मैं पानी मिक्स करके भी उसको भी डाल दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा छींटे भी आ गए, वो जो बचा हुआ था मैंने उसको भी डाल दिया है। और अब इसको हमको कलछी से धीरे धीरे स्टेयर करते रहना है। कहते हैं कि कढ़ी से कलछी को बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि हमेशा चलाते रहना चाहिए, नहीं तो नीचे से वो पकड़ लेता है। और यहाँ पे डाल दिया है स्वादानुसार नमक। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको चलाते रहेंगे और जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो देखिए यहाँ पे मैं चला रही हूँ धीरे धीरे, और गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है लो, हाई फ्लेम पर हमें नहीं पकाना। और देखिए ये कढ़ी में बॉयल आने लगा है। इस स्टेज पर हमें डाल देना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर,
और देखिए यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे इसमें अच्छे से उबाल आ गया और ये लगभग पक के तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं इसके तड़का लगाने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे कढ़ी बनके तैयार और लगाते हैं एक ज़ोरदार तड़का। तड़का लगाया है मैंने देसी घी में, जीरा, देगी मिर्च और हींग डाल के। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।